हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं जब छोटी थी तो हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे जरूर आता था, जब हम पढ़ते थे तो ऐसे आता था किसी भी फेस्टिवल पर। तो पहले हम क्या लिखते थे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, त्योहारों का देश है, हर दिन त्योहार होता है और त्योहारों में हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं और नए नए कपड़े मिलते हैं। तो मेन बात होती थी बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। ये मिठाइयाँ जो हैं, जब हम छोटे थे खाई मिठाई और कूदते भागते फिरते थे तो मिठाई हजम हो जाती थी, लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उतनी फिजिकल एक्टिविटी कहीं रह ही नहीं गई है। तो आज हम बात करेंगे कि त्योहारों के टाइम में इस मिठाई वाली फीलिंग को रखते हुए हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। जब मिठाई की बात आई है तो पहले बना लेते हैं बेसन के लड्डू। उसके लिए हमने लिया है बेसन, घी, किशमिश, बादाम और इलायची के दाने। सबसे पहले 250 ग्राम बेसन को हमने मंदी आंच पर, बहुत मंदी आंच पर धीरे धीरे भूनना है, बिल्कुल सूखा ही भूनना है। उसमें अभी घी नहीं डालेंगे क्योंकि घी डालने के बाद भुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है। तो घी डाल इसको हम पहले सूखा ऐसे ही भूनते रहेंगे और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, ये देखिए, तो हम उसमें घी मिला देंगे। ये 250 ग्राम में मैंने 75 ग्राम घी लिया है। ये मिलाने के बाद इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, जब बिल्कुल मिल जाएगा धीरे धीरे करके। आँच हमने कभी भी तेज़ नहीं करनी है। जब ये अच्छे से मिल जाएगा, ये कोई गांठ इसमें नहीं रह जाएगी, गांठें हम साथ साथ तोड़ते रहेंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे इलायची के दाने। ये करीब मैंने 5 इलायची के दाने निकाले हुए हैं, क्रश किए हुए हैं। उसमें साथ में मैंने डाला है कटा हुआ बादाम और डाली है थोड़ी सी किशमिश। इसमें मैंने मीठा करने के लिए डाली है देसी खांड। ये एक्चुअल में पिसी हुई चीनी का पाउडर नहीं होता है, इसका बनाने का सिस्टम अलग है। देखिए इसके ग्रेन्यूल्स थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ये देखिए, और इसको हम लोग खांड बोलते हैं, रॉ शुगर यू कैन से। तो ये हमने इसको बेसन को बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद उसमें ये खांड डाली, बिल्कुल ठंडा होने के बाद, अदरवाइज़ खांड अपना पानी छोड़ देती है। और जब जब बनाने लायक हो गए लड्डू तो हमने इस तरीके से इसके लड्डू बनाए और इसको ये तैयार हो गए। आप इसको ऐसे ही रखिए, या गार्निश करने हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। ऐसे ही और भी मिठाइयाँ बनाएं और खाएं। और अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लें जिससे त्यौहार के टाइम मिठाई खाते हुए भी हम हेल्दी रह सकें। तो उसके लिए अगर हम थोड़ी सी सावधानी शुरू से बरतते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सब ठीक रहता है। एक तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी डाइट हमें लेनी है। त्योहारों में काम बहुत होता है, आपको घर की सफाइयाँ भी करनी है, घर के लिए सामान भी खरीदना है, मार्केट भी जाना है। उस काम में कई बार होता है मील स्किप कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी भी कोई मील स्किप नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। और कुछ लोग त्यौहार में फास्ट भी करते हैं, तो आपने पहले मील स्किप कर दिया और फिर फास्ट करने लगे तो वो फास्ट जो होता है एक तो आपके शरीर को वैसे खराब करता है और जब आप फास्ट खोलते हो तो इतने भूखे होते हो कि टूट पड़ते हो, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो ये भी गलत है। दूसरा जो रूल है वो ये कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, और हाइड्रेट किससे रखें, बाजार के जूस से नहीं, जो मार्केट से मिलता है वो जूस नहीं, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फ्रूट का बनाया हुआ जूस घर में, नींबू पानी है या कोई भी जूस आप बना सकते हैं, उससे अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो ये दो मेन रूल हैं जो फॉलो करने चाहिए व्रत करने वालों को भी और व्रत ना करने वालों को भी। कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट भी होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें सारी चीजें शामिल हों। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सर्विस भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो हर एक के टिफिन में मिठाइयाँ होती हैं त्यौहार के दिनों में, और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके गए हो तो क्या होगा, यहाँ से मिठाई लेके खा ली, वहाँ से मिठाई लेके खा ली, और मिठाइयाँ इतनी जमा हो गई कि आप को नुकसान करने लग जाती हैं। तो कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट में सीरियल्स भी हो, नट्स भी हो, दूध भी हो, हेल्दी चीज़ें हो, तो उससे आपको बार बार जो एक स्नैक्स खाने के लिए जो इच्छा होती है वो नहीं होगी। त्योहार में डीप फ्राइड जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि त्यौहार के दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़नी चाहिए, तो बहुत सारी डीप फ्राइड चीज़ें हो जाती हैं। तो आप कढ़ाई चढ़ाओ,
जो आपके शगुन है वो जरूर करो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ बना लो और बाकी चीजें आप नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल डाइट में बनाओ। तो ज्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने फास्ट के पहले दिन फ्राइड ज्यादा खा लिया तो आपको फास्ट वाले दिन बहुत प्यास लगेगी, और अगर फास्ट वाले दिन ज्यादा खा लिया तो क्योंकि आप सुबह से भूखे थे, सुबह से आपने फास्ट किया हुआ था, आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान करेगा। तो फ्राइड चीजें हमेशा हर तरीके से नुकसान ही करेंगी, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हुआ कि हम क्या करें। दूसरा अब आता है कि अवॉइड क्या करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए आपको शुगर वाली चीजें, क्योंकि त्योहारों में मिठाइयाँ होती हैं तो आपके शुगर इंटेक वैसे ही ज्यादा हो जाता है, तब आपको वो शुगर आपका जो है कहीं और से कट करना चाहिए। जैसे बिना चीनी की चाय पी ली, या जैसे आप अगर जूस बना रहे हो, कुछ लोगों की आदत होती जूस में डाल दिया बहुत ज्यादा चीनी, तो वो ना डालें, जूस तो वैसे ही मीठा काफी होता है। तो शुगर का आपको इंटेक कहीं और कम करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि अगर आप त्योहार के दिन अगर आप गेस्ट हैं तो आप, क्योंकि त्योहार है, सामने वाला मिठाइयां भी रखेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी रखेगा आपके लिए, और आप अगर घर से खा के नहीं गए हैं तो जरूर वहां ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने आप को फुल करके जाएं, ताकि वहां सिर्फ आप नाम के लिए थोड़ा सा चख के आए, ताकि सामने वाला भी खुश और आपका, आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका दिमाग भी खुश। और अगर आप होस्ट है तब तो सारी सिचुएशन आपके हाथ में है, तब तो आप खुद भी हेल्दी खाना खा सकते हैं और आने वाले गेस्ट को भी हेल्दी खिला सकते हैं, उनको घर की बनी हुई मिठाई खिलाएं। एक तो आजकल जब त्योहार ज्यादा होते हैं तो बाहर की चीजों में मिलावट भी बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए उनमें मिलावट कर देते हैं, और क्योंकि बहुत बिकती भी बहुत ज्यादा है, तो मिलावट से भी आप बचेंगे घर में बनाएंगे तो, और जो चीज आपको चाहिए उसको कंट्रोल से भी बना पाएंगे। आपको मीठा कम चाहिए, घी कम चाहिए, तो आप उसी हिसाब से उसको बना लेंगे घर में। और आप ड्राई फ्रूट का यूज करें, फ्रेश फ्रूट्स का यूज करें, तो ये सारी चीजें अगर यूज करते हैं तो आप भी खुश और आपका गेस्ट भी खुश। मिठाइयां जब आप घर में बनाएंगे तो उसमें आप नेचुरल स्वीटनर डाल सकते हैं या जैगरी से बना सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए, शुगर सिरप वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आपको मोतीचूर के लड्डू अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत घी और तेल में भरे हुए होते हैं। उसके बदले में आप बेसन के लड्डू खा सकते हो। आप बेसन के लड्डू में अपने हिसाब से चीनी डालोगे, अपने हिसाब से मीठा डालोगे और बहुत अच्छी मिठाई बन जाएगी। आप चौलाई के लड्डू बना सकते हो, आप पफ्ड राइस के लड्डू बना सकते हो, जो गोंद हम खाते हैं उसके आप पंजीरी बना सकते हो। जो भी आप घर में चीज बनाओगे वो प्योर होगी और आपके हिसाब से होगी, मीठा या घी उसमें कम ज्यादा आपके हिसाब से होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, कोई डाउट नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं और त्योहार को भी बहुत खुशी से मनाते हैं, क्योंकि जब आप घर में ये चीजें बनाओगे तो आपके एक वैसे ही त्योहार का माहौल बनेगा कि मिठाई बन रही है घर में, त्योहार का माहौल बन रहा है, तो ये तो एक और भी आप मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बात आती है एक्सरसाइज की। अब आप सोचते हो फास्ट कर लिया क्या करना है एक्सरसाइज का, ये सबसे गलत बात होती है। आप अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल मत छोड़ो, जितनी करते थे उतनी तो करनी ही करनी है, उसके अलावा भी, क्योंकि आप इतनी ज्यादा कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है आपका मिठाई के कारण और त्योहार में बने हुए खानों के कारण, तो उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है। एक्सरसाइज आपको कुछ और ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने रूटीन से करनी पड़ेगी। ना तो आप ये कहो कि हम थक गए इसलिए नहीं करेंगे, या ना तो ये कहो कि हमने फास्ट किया था इसलिए नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं, खुद भी खुश, खाने वाले भी खुश, आप खिला के खुश और परिवार वाले खा के खुश। तो चलिए इसी खुशी में हम अपने सारे त्योहार मनाते हैं। त्योहार हमारे शुरू हो गए हैं गणेश चतुर्थी से, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक होली तक हमारे त्योहार चलेंगे। खुशी से मनाते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं और मेरे चैनल को देखते रहते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।